हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3, आवर चेंजिंग अर्थ। इस चैप्टर के अंदर हम अर्थ की जो सॉलिड डोमेन है लिथोस्फेयर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर एक कॉम्बिनेशन है प्लेयर्स का, जिसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं प्रेजेंट होती हैं, और इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इन प्लेट्स का मूवमेंट अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के अंदर बहुत ही स्लो होता है, और ये इतना स्लो हो सकता है कि एक साल के अंदर कुछ मिलीमीटर्स तक ही मूव कर पाती हैं। इन प्लेट्स का मूवमेंट जो है होता किस लिए है, ये भी देखते हैं आगे। इन प्लेट्स का मूवमेंट अर्थ का जो इंटीरियर है उसके अंदर जो मैग्मा प्रेजेंट होता है वो हमेशा सर्कुलर मूवमेंट में रहता है। तो इस सर्कुलर मूवमेंट के कारण जो इसके ऊपर प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं वो मूव करती हैं, इसलिए हमें अर्थ के इंटीरियर में भी जो है चेंज दिखाई देता है, और अर्थ का जो सरफेस होता है उसके ऊपर भी हम चेंज देखते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच कॉज देम। तो अर्थ के जो मूवमेंट हैं वो दो फोर्सेज में डिवाइड किए गए हैं, दो फोर्स के कारण अर्थ के अंदर मूवमेंट होता है। सबसे पहले जो एंडोजेनिक फोर्स है उससे अर्थ के इंटीरियर में चेंज आता है एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण, और एक्सोजेनिक फोर्सेस के कारण जो है वो अर्थ के सरफेस पे काम करती हैं, उससे अर्थ के सरफेस पे चेंज आता है। अब इनको भी बाद में डिवाइड किया गया है, एंडोजेनिक फोर्सेस को सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में डिवाइड किया गया है। सडन फोर्सेस में जैसे देखिए अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड्स, ठीक है, भूकंप और वोल्केनो इरप्शन और लैंडस्लाइड्स, मतलब भूस्खलन आना। तो इससे क्या होता है कि सडन चेंजेस जो हैं वो अचानक आते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं अपनी जगह से हट जाती हैं, और जो डायस्ट्रोपिक फोर्सेस होती हैं उनसे चेंजेस बहुत ही स्लो होते हैं, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, ठीक है, पर्वतों का बनना, तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसके बाद एक्सोजेनिक फोर्सेस में इरोजनल एंड डिपोजिशनल, ठीक है, मिट्टी का कटना और मिट्टी का जमा होना, तो ये किन कारणों से होता है? रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर्स के कारण होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। तो हमने देखा कि एंडोजेनिक फोर्सेज से कभी कभी सडन मूवमेंट्स भी आ सकते हैं, अचानक जो है प्राकृतिक आपदा आ सकती है कोई, और स्लो मूवमेंट्स भी होते हैं जैसे माउंटेन फॉर्मेशन, पर्वतों का बनना। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। सडन मूवमेंट से क्या होता है कि मास डिस्ट्रक्शन होता है, मास डिस्ट्रक्शन मतलब कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अर्थ के सरफेस को। आगे देखिए, ए वोल्केनो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। एक वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो एक ओपनिंग वेंट होता है जहाँ से मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है अचानक, और मोल्टन मटेरियल के अलावा वोल्केनो से जो है एसिड राख भी निकलती है और कुछ गैस भी निकलती है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स। तो इसी तरीके से जब लिथोस्फेयर की जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं हल्की सी, अपने स्थान से सरकती हैं, तो अर्थ के सरफेस में वाइब्रेशन होती है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल अराउंड द अर्थ, और ये जो वाइब्रेशंस हैं वो पूरे अर्थ में ट्रेवल कर सकती हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक बोलते हैं। द प्लेस इन द अर्थ क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस, और अर्थक्वेक का जो फोकस है वो क्या होता है कि जहाँ से वो वाइब्रेशन स्टार्ट हुई हैं, मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ है, जहाँ से वो प्लेट्स सरकनी शुरू हुई हैं, तो वो क्या होता है? फोकस होता है। और फोकस के जस्ट अब वो जो उसके ऊपर वाला जो प्लेस होता है, जो जगह होती है, वो होती है एपिसेंटर। अर्थ की सरफेस वाली जगह कौन सी होती है? एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। तो वाइब्रेशन जो है एपिसेंटर से जो वेव्स, जो लहरें जैसे चलती हैं वैसे मूव करती हैं। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है, नुकसान होता है, वो एपिसेंटर के पास होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक
डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे जैसे जो हम सेंटर से दूर जाते हैं अर्थक्वेक के, वैसे ही उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है, उसका असर कम होता जाता है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अर्थक्वेक का जो प्रिडिक्शन है, मतलब जो अनुमान है, वो हम नहीं लगा सकते, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो कम जरूर किया जा सकता है अगर हम पहले तैयारी कर ले तो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस। तो कुछ जो है प्रिडिक्शन की जाती है अर्थक्वेक को लेकर के, भूकंप को लेकर के, कि जैसे जो कुछ लोग जो है वो एनिमल का बिहेवियर समझते हैं, ठीक है, उनके व्यवहार को देखते हैं, कि जैसे जो तालाब में जो है फिशेज का मूवमेंट तेज़ हो जाता है, एजिटेट हो जाती हैं वो, ठीक है, और स्नेक्स जो हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, तो ये दर्शाते हैं कि कोई जो है नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला है। तो उसके बाद देखिए मेजर लैंडफॉर्म्स, द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस। तो हमने पढ़ा था कि जो लैंडस्केप है वो दो प्रोसेस से वॉर्न आउट होता है, मतलब या तो वहाँ से डिपोजिशन होता है, मिट्टी का जमाव होता है, या फिर मिट्टी का कटाव होता है। तो वॉर्न आउट होता है मिट्टी का कटना, मिट्टी का बह जाना कहीं से, तो दो प्रोसेस से होता है, एक तो वेदरिंग, एक इरोजन। तो वेदरिंग में क्या होता है, वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसमें पत्थर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और इरोजन क्या होता है कि लैंडस्केप का बह जाना, कट करके जो एक ज़मीन का जो हिस्सा है वो बह गया पानी के कारण, या हवा के कारण, किसी और एजेंट के कारण। द एरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे बाय ट्रांसपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एसेट्रा। तो एरोडेड जो मटेरियल होता है, मतलब जो नदियाँ जो अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो या तो पानी उनको आगे बहा ले जाता है, या फिर जो हवा है उसको अपने साथ आगे ले जाती है, और कहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसी इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस के कारण भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, मतलब कि एक जगह से डिपोजिशन हो गया, लैंड मास वहाँ से कम हो गया, तो दूसरी जगह बन गया डिपोजिशन के कारण, ठीक है, जमा हो गया, तो इससे एक नया लैंडफॉर्म बन गया, एक नई जो है ज़मीन तैयार हो जाएगी। इसमें अब हम अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे, कैसे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं वो मदद करते हैं इरोजन और डिपोजिशन के अंदर। तो सबसे पहले वर्क ऑफ रिवर देखते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली, इट फॉर्म्स वाटरफॉल। तो सबसे पहले जो रनिंग वाटर होता है, जो बहता पानी होता है, वो अपने साथ जो लैंडस्केप होता है, जो लैंड मास होता है, वो अपने साथ बह के दूसरी जगह ले जाता है, और इसी कारण जो है कई बार वाटरफॉल बनता है। वाटरफॉल में क्या होता है कि जो पानी जो है ऊंचाई से गिरता है, और ऊंचाई से गिरने के बाद किसी वैली घाटी में गिरता है, तो इससे एक झरना बनता है, वाटरफॉल बनता है। और जहाँ पे भी ये पानी गिरता है, तो जैसे कि मान लो कि पत्थरों पे गिरता है, तो जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाएंगे, और पत्थरों की क्या हो जाएगी, वेदरिंग हो जाएगी, ठीक है, वो वेदरिंग प्रोसेस कहलाएगा फिर, और फिर पत्थर जो है वो पानी के साथ बह करके दूसरी जगह चले जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये रिवर का काम ये है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मेंडर्स। तो जैसे ही नदी जो है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो ये टर्न बनाती है, मतलब मुड़ती हुई जाती है मैदानों के अंदर से, और इन बैंड्स को, मतलब ये जो कर्व्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स बोलते हैं, ये जो बैंड्स दिखाए गए हैं इस फिगर के अंदर। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ ए मेंडर, द एंड्स ऑफ ए मेंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो लगातार इरोजन और डिपोजिशन होता है इस रिवर के अंदर भी, और डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो ये दोनों कर्व्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं, और इन दोनों के पास आने से ये मेन रिवर से कट जाती हैं, ठीक है, और एक नई जो है लेक का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एट टाइम्स रिवर फ्लोज इट्स बैंक्स
कभी कभी जो नदी है वो अपने बैंक से अपने किनारों से ओवरफ्लो हो जाती है, ठीक है। मतलब नदी जहाँ से बह रही होती हो अपने किनारों के ऊपर से भी पानी आना शुरू हो जाता है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। इससे क्या होता है कि आसपास के एरियाज में बाढ़ आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। तो जैसे ही बाढ़ आती है तो अपने साथ नदी जो है वो छोटे पार्टिकल्स मिट्टी के और कुछ अलग मटेरियल जिसको सेडिमेंट्स बोलते हैं वो इन किनारों में जो है जमा हो जाते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। तो इससे क्या होता है कि एक उपजाऊ फ्लड प्लेन, एक उपजाऊ जो है मैदानी भाग का निर्माण होता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और जो ऊंचे उठे हुए जो किनारे होते हैं नदियों के किनारे, ठीक है, उनको बोलते हैं लेवीज। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। और जैसे जैसे जो नदी है वो समुद्र के पास सी के पास पहुँचेगी तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और वो क्या फॉर्म करेगी, डेल्टा बनाएगी फिर वहाँ पे। और डेल्टाज के अंदर क्या है कि डेल्टा में अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो जो रिवर मैंने बताया था आपको कि मेन जो रिवर है वहाँ से अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड होना शुरू हो जाएगी और उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रांचेज को डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब अलग अलग जो छोटी स्ट्रीम्स बन जाएगी पानी की। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस डिपॉजिट इट्स लोड। और रिवर जो नदी है इतनी स्लो हो जाती है कि जो अपने साथ ये लोड लेके आती है, जो भी सेडिमेंट लेके आती है, वहीं पे जमा होना शुरू हो जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ऑन माउथ द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म से डेल्टा। और हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी का जो है माउथ होता है, मतलब ये पानी में जो समुद्र में मिलने का रास्ता होता है, और इनके कलेक्शन से, इनके सेडिमेंट्स के कलेक्शन से क्या बनता है, डेल्टा बनता है, जो ये अपने साथ अवसाद लेके आते हैं। अब आगे देखिए, वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स का क्या काम होता है इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस में। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंड फॉर्म्स। कि इरोजन और डिपोजिशन जो होता है सी वेव से, उससे क्या बनता है, कोस्टल लैंड फॉर्म्स बनते हैं, तटीय जो भूमि होती है वो बनती है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। जो समुद्री लहरें होती हैं वो लगातार पत्थरों से टकराती रहती हैं, फिर उसके बाद उनमें दरारें आ जाती हैं, ठीक है। समय के साथ साथ वो दरारें बड़ी हो जाती हैं और उससे क्या बन जाती हैं, केव्स, होलो केव्स बन जाती हैं, गुफाएं बन जाती हैं। उसके बाद जो ये पत्थरों में जो केव्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं सी केव्स। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन एंड थस फॉर्मिंग सी आर्क। और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाती हैं, मतलब ये जो कैविटीज़, कैविटीज़ मतलब ये जो खाली स्पेस है, होल है, ये और ज़्यादा बड़े होते जाते हैं केव्स, तो उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है जब ये टूट जाते हैं और क्या बनाती हैं, सी आर्क, सी एक आर्क बनाती हैं, ये जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे। फर्दर इरोजन आर लेफ्ट। तो इसके बाद जो है फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। तो इसके बाद और ज़्यादा इरोजन हो जाता है सी आर्क होने के बाद भी, मतलब ये सी आर्क भी ख़त्म हो जाती है और सिर्फ एक दीवार बचती है सिंपल। दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। और इन वॉल्स को क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट रेजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और जो ये इससे जो दीवार बनती है उससे बहुत सारी जो ऐसी दीवार मिलकर के एक पत्थर बनाती हैं, एक क्लिफ बनाती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। वो अबो सी वाटर होता है, समुद्री पानी के ऊपर होता है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। और जो समुद्री लहरी होती हैं, लहरें जो आती हैं किनारे, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, अवसाद लेके आती हैं, जो समुद्रों के किनारे आसानी से जो है समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं उसकी फॉर्मेशन करती हैं। अब आगे देखिए, वर्क ऑफ आइस। आइस का क्या काम होता है इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस के अंदर। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। देखिए ग्लेशियर्स क्या होते हैं, एक ये मान सकते हैं आप कि बर्फ़ की नदियाँ ही होती हैं, ठीक है,
जिनका काम होता है कि लैंडस्केप को जो है इरोड करना, ठीक है, वो कैसे करती हैं, बाय बुलडोजिंग सॉयल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज, कि उसके ऊपर जमा हो जाती हैं, पहले तो जो बर्फ़ है जमा हो जाती है और जो सॉलिड रॉक होती है, जो पत्थर होते हैं, उसको एक्सपोज कर देते हैं, मतलब वो खुले में आ जाते हैं। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप होलोज देयर, और जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बड़े बड़े होल बना देती हैं, छिद्र बना देती हैं। एज दीज आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेंस। तो जैसे ही आइस मेल्ट होती है, पिघलती है, तो एज द आइस मेल्ट्स दे गेट फिल्ड विद वाटर, तो जो वो ग्लेशियर जो होलो थे, जो डीप होलो बने थे ग्लेशियर से, वो पानी से भर जाते हैं और एक ब्यूटीफुल लेक बन जाती है, सुंदर झील बन जाती है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड स्लिट्स गेट डिपॉजिटेड, और जो ग्लेशियर अपने साथ जो रॉक्स लेके आता है या फिर जो सैंड या स्लिट लेके आता है, तो वो इकट्ठा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और इस इन डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोराइंस बोलते हैं, ठीक है, जो ये होलो रॉक्स में जमा होते हैं। उसके बाद देखिए हमारा जो लास्ट एजेंट है, वर्क ऑफ विंड, ठीक है, वर्क विंड का क्या काम होता है इरोजन और डिपोजिशन के अंदर। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स, तो आपने डेजर्ट के अंदर सैंड ड्यून्स देखे होंगे, ड्यून्स मतलब रेत के टीले देखे होंगे। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड, तो जो एक्टिव एजेंट होता है, मतलब डेजर्ट्स के अंदर पानी तो होता नहीं, ठीक है, ना ही कोई और फैक्टर है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाए रेत को, तो सिर्फ विंड के थ्रू ही जो है, विंड के द्वारा ही जो है वो इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस हो पाता है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, तो आप देखोगे डेजर्ट्स के अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं वो मशरूम की शेप के होते हैं, जिनको मशरूम रॉक्स बोला जाता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, तो विंड्स क्या करती हैं, हवाएं क्या करती हैं, तो उस पत्थर का जो निचले वाला जो हिस्सा होता है उसको इरोड कर देती हैं, उसको अपने साथ ले जाती हैं, ना कि अपर पार्ट को अपने साथ, ठीक है, अपर जो पार्ट होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेस एंड वाइडर टॉप, तो इन रॉक्स का क्या होता है कि ऊपर से तो ये चौड़े हो जाते हैं और नीचे से बिल्कुल जो है पतले हो जाते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज therefore the such rocks are narrower at the base and the wider at the top, when wind blows it lift and transports sand from place to place, तो जैसे ही जब हवा बहती है तो ये सैंड को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। when it stops blowing the sand falls and get deposited in low hill like structures, तो जैसे ही जो है हवा जो है बंद हो जाती है, तो उस टाइम पे जो अपने साथ जो हवा रेत लेके चली थी, यहाँ से सैंड लेके चली थी पत्थरों के पास से, तो किसी नीचे जो होलो जो पार्ट होता है, जहाँ पे हिल लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे सैंड जो है कम होता है, वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और क्या बनता है, सैंड ड्यून्स जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, टीले बनते हैं वहाँ पे। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज, तो जैसे कि ये ग्रेन्स होते हैं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं रेत के, बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसको आसानी से जो हवा है वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकती है। व्हेन सच लैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज़ कॉल्ड लोइस, ठीक है, जो जब ऐसी जो सैंड है बहुत बड़े एरियाज में डिपॉजिट हो जाती है, बहुत बड़े एरिया में इकट्ठी हो जाती है, तो उसको लोइस बोला जाता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोइस इज फाउंड इन चाइना, तो ज़्यादातर जो डिपॉजिट्स होते हैं, जो भंडार पाए जाते हैं लोइसिस के, वो चाइना में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।